क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में पिछले 22 वर्षों से हमारे पास विभिन्न पदों पर 2200 संविदा कर्मचारी हैं, जो तपेदिक उन्मूलन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अक्सर सरकार द्वारा कुछ अन्यायपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नियुक्त 3 सदस्यीय कैबिनेट समूह ने समायोजन पर अपने स्वयं के निर्णय को उलट दिया। वेतन पुनर्गठन में पुराने और नए कर्मचारियों के वेतन में भारी असमानता है। ऐसी विविध मांगों को लेकर महाराष्ट्र राज्य सुधारित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कर्मचारी संगठन द्वारा आंदोलन किया गया। एक तरफ आप स्थायी सरकारी कर्मचारियों को समय समय पर 4-5% महंगाई भत्ता दे रहे हैं और दूसरी तरफ 15 साल बाद संविदा कर्मचारियों को वही मानदेय यात्रा भत्ता भुगतान बंद पत्र जलाने का भत्ता दे रहे हैं। आम्ही माझं नाव कमलेश गजबे आहे। मी अध्यक्ष आहे राज्य समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कर्मचारी संघटना। आम्ही टीबी कर्मचारी आहोत, कंत्राटी तत्वावर 24 वर्षापासून काम करीत आहोत। आमच्या मागण्या आहे की आम्हाला शासनामध्ये कायम करण्यात यावे, समायोजन करण्यात यावे। त्याचप्रमाणे आम्हाला जो आतापर्यंत इन्क्रीमेंट आमचा 2007 12% होता, तो आम्हाला 5% करण्यात आला। त्या 2007 पासूनचा आतापर्यंत जे इन्क्रीमेंटचा एरियस आहे ते सुद्धा आम्हाला देण्यात यावं। त्याचप्रमाणे आम्ही आता सध्याच 8 दिवसाच्या संपावर कार्यरत आहोत। 8 दिवसाच्या संपावर आम्ही 19 सप्टेंबर ते 6 ऑक्टोबरपर्यंत काम बंद आंदोलनावरती आहोत आणि 29-30 आम्ही संविधान चौकामध्ये येथे धरणे आंदोलनावर आणि 3 तारखेला आम्ही आझाद मैदान येथे अधिवेशन करीत आहोत आणि माननीय आरोग्य मंत्री यांना आम्ही आमंत्रित केलेलं आहे तिथे। आणि आमची मागणी अशी आहे की आम्हाला या शासनसेवेमध्ये कायम करण्यात यावं। इतक्या वर्षाच्या अनुभवाचा जो आम्ही परिश्रम घेतलेला आहे त्याचं फळ आम्हाला शासनाने देण्यात यावं। त्या कमलेश गजबे अध्यक्ष राज्य समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कर्मचारी संघटना। यह अमानवीय और असंवैधानिक प्रतीत होता है, ऐसा आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों द्वारा कहा गया है, तो दूसरी ओर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा आंदोलन को भेंट दी है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।